हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपकी संजू यादव और हमारे संजू यादव शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमको कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि गाड़ियां आ रही थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आप सब कैसे हैं? आप लोग प्यारे से कमेंट जरूर करके बताइए और आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग से आज मैं कुछ खास बात करने वाली हूँ। मैं सोचती हूँ कि ना बोलूँ तो बोलने का मतलब बहुत ही उम्मीदें रहती हैं कि हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वक्त आने पे बोलना ही पड़ जाता है। तो आप लोग प्यारे से कमेंट करके बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने लायक हैं। अगर हम कुछ करने लायक होते तो आज हम सोशल मीडिया पे नहीं आते। तो दोस्तों, आप ही लोग बताइए और आप ही लोग सपोर्ट करने वाले हैं और आप ही लोग नीचे गिराने वाले हैं। तो ये बताइए, आप लोग हमारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जैसे हमारे बड़े से बड़े यूट्यूबरों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिए। तो बस हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि आप लोग के बीच में न शेयर करूँ, लेकिन शेयर ही करना पड़ता है। दोस्तों, जाने दो, क्या कहूँ, कहने में कोई भलाई नहीं है। अगर कुछ कहो तो भी बेकार है, अगर ना बोलो तो भी बेकार है। तो जाने दो, एक ही मतलब है, इससे अच्छा बोलने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं। तो हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। सोचते हैं तो बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि आप लोग सपोर्ट कर दो और हम उस लायक हो जाए तो आप लोग को सारी कहानियाँ बताऊँगी, क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें बताऊँगी। और वो भी मैं अपने स्थिति के बारे में बताऊँगी, हमारी स्थिति क्या है। और कुछ नहीं दोस्तों, बस हम अपना ही बताएंगे कि हमारे ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या होने वाला है, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। तो चलिए, हम आप सबसे क्या कहना चाहते हैं, आप लोग से मैं कई बार बताई हूँ कि हमारा ब्लॉग टाइम से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है दोस्तों, आप लोग को क्या ही बताऊँ। उस रीज़न को बताने में हमको बहुत मतलब तकलीफ होती है, मैं नहीं बता पाती हूँ क्यों हमारा ब्लॉग नहीं आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बातों को शेयर करें। और जो नहीं यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए वो करना भी बेकार है। तो बस आप सबसे यही दुआ मांग रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन, जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, बस आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए और आप लोग हमारे चैनल पे आइए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हम भी आप लोग के बीच में हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और कुछ नहीं, दो दिन की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर हम किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं तो हमारा ऊपर वाला बिगाड़ने वाला है, वही बनाने वाला है। और दुनिया कुछ भी कहे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इंसान कहता है कि सब चीज़ का दवा है, लेकिन ये जवान और सब का दवा नहीं है। तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। हमारा परिवार सही है, हमारा परिवार सही है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा परिवार सही रहे, आप लोग का सपोर्ट बना रहे। वो तो आप ही बता सकते हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप सबसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और सुबह सुबह ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए।
आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारे क्या बताऊं, चाहे हमारे घर के हो, चाहे हमारे अगल बगल के, चाहे जो भी हो, चाहे हमारे गांव घर के हो, कोई भी हमारी वीडियो देखते होंगे तो कहते होंगे कि इतने से मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कहने वाले कहते भी हैं। तो दोस्तों आप सब ये मत कहवाइए और आप लोग सपोर्ट करिए, बस हमें आप सबका प्यार दुआ चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ, अभी हमारा सब देखो कैसे सब पड़ा है, अभी सब काम करना है, अभी किचन में भी काम करना है और यहाँ सारा कपड़ा देख लो ऐसे पड़ा है, क्योंकि सुबह बूंदे पड़ रही थी, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं सारा कपड़ा छत पर से उतार के लाई और ऐसे रख दी और अभी यहीं सब रखा है। अब चल रही हूँ, रखूँगी और झाड़ू लगाऊँगी, बर्तन धोऊँगी और आप लोग के बीच में हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा, थोड़ा 10 बजे के बाद ही आएगा। तो आप लोग अपना प्यार दुलार बना रहे कि जितने हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए और बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस और हम क्या कहना चाहते हैं आप लोग को बताएंगे। अभी कल से मेरी तबीयत नहीं सही है, आप लोग को चेहरा से पता चलता होगा, क्या पता हमें ऊपर वाला ही सता रहा हो। अब हम कुछ नहीं कहेंगे इसके आगे, हमें ऊपर वाला इतना मतलब हमें हो रहता है कि चलो दुख सुख दोनों साथ में आता है और अगर हमें हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा तो सुख नहीं आएगा तो क्या आएगा, भगवान हमें इंसान बनाया है तो दुख सुख के लिए बनाया है ना, टेंशन किस बात की है। हम दुख में अगर सुख में अच्छे हैं तो दुख में भी अच्छे रहेंगे, वो तो ऊपर वाला देखने वाला सबके ऊपर निगाह करते हैं, भगवान भगवान तो सबके हैं, सबका भरोसा उन्हीं पे रहता है। अगर वो चाहे तो एक पल में बिगाड़ देंगे, एक सेकेंड में बिगाड़ देंगे, कोई बनाने वाला माई का लाल इस दुनिया में नहीं है कि कोई किसी का बना दे, और किसी का बना है तो बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता है, भगवान सबके होते हैं, अगर वो बिगाड़ना चाहते हैं तो पल सेकंड में बिगाड़ देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम बस भगवान पे भरोसा करते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो हम इस मंजिल पे आएंगे, तो नहीं इच्छा होगी तो हम भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्या भी हुआ, जितना हमारे किस्मत में लिखा है वही हम पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। कोई लाख भी कितना कर ले, आप लोग कमेंट करके बताइए हम गलत कर रहे हैं, कोई कितना भी हड़फड़ा तड़फड़ा के मर जाए, लेकिन जो मेरे किस्मत में लिखा है वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कर्म तो इंसान बहुत करता है, लेकिन अगर कर्म का फल सबको मिल जाए तो दुनिया उजड़ी हुई दुनिया बच जाए। तो बस हमें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें आप सबका प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। और आप लोग के बीच में मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्यों नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं गाँव जाने वाली हूँ, टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सिलाई फिलाई के चक्कर में पड़ जाती हूँ। और आप लोग को बता दूँ अभी मेरे पास तो बहुत ही कपड़े हैं, आप लोग को दिखाऊँ क्या, अभी एक दीदी आई थी और कह रहे हैं कि सिल दो सिल दो। दोस्तों क्या बताऊँ, जब मैं गांव जाने वाली रहती हूँ ना तो मेरे पास इतना कपड़ा जाता है, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि इनको मना करूँ कि सिलूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए दीदी आई थी, कपड़ा दे के गई है और एक ये रहा, और ऐसे मतलब आ जाते हैं, अभी 7-8 ब्लाउज है और पेटीकोट है, मतलब फॉल लगाने की साड़ियाँ हैं, बहुत से काम हमारे पास रहते हैं, इसलिए मैं वीडियो में टाइम नहीं दे पाती हूँ। फिर भी हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं लेट फास्ट तो जरूर आप लोग के बीच में वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी नहीं तो अगर हम वीडियो नहीं शेयर करेंगे, आप लोग के बीच में नहीं आएंगे, नहीं दिखेंगे तो आप लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, मैं आप लोग से एनी टाइम हर रोज़ाना मिलूंगी और आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों और कुछ नहीं।
बस आप लोग हंसते रहिए, हम भी हंसते रहेंगे। और इस दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, बस हंसना हंसाना है और रोना रुलाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करके जरूर अच्छे होंगे, और कमेंट करके बताइए। आप लोग अपना सपोर्ट करिए और हौसला बढ़ाइए, कमेंट करिए जरूर दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।